तो भैया आज की रसोई जो है सखी बना रही है। भैया ये है श्री जी की खिचड़ी। तो भैया आप जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं ना, ये राधा रानी और ठाकुर जी का बड़ा प्रिय स्थान है, जिसका नाम है राधा रानी मानसरोवर। मंदिर की आकृति जो है जल में पड़ रही है। जय जय राधा कहे सुख उपजे, बल्लभ कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाव। जय जय श्री राधे। राधे राधे बोल, राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री हरवंश। तो भैया आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में श्री वृंदावन धाम से। और आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पर जिसका नाम है राधा रानी मानसरोवर। कि राधा रानी का और ठाकुर जी का बहुत ही प्रिय स्थान है। तो आज हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर आज राधा वल्लभ लाल जी का खिचड़ी उत्सव है। खिचड़ी उत्सव का आनंद लेंगे और सबसे पहले तो ठाकुर जी और श्री जी को भोग लगेगा, फिर उसके बाद अपन भी प्रसाद पाएंगे। पूस के महीने में ठाकुर जी और श्री जी को सुख मिले, इसलिए सखियां जो हैं ठाकुर जी और श्री जी के लिए खिचड़ी उत्सव का उत्सव करती हैं। सबसे पहले भैया आप मानसरोवर का एक बार पूरा व्यू का आनंद लीजिए। देखो ऐसा व्यू है यहाँ पर, और इतना सुंदर है कि मतलब यहाँ पर शांति है और सुख है। तो भैया इस मानसरोवर पर इतनी सुख और इतनी शांति है कि मतलब यहाँ पर अगर आप वृंदावन में आओ तो वृंदावन से मात्र यह 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है राधा रानी मानसरोवर। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना तो एक सुख का तो आनंद आप ज़रूर लेना। वो सुख क्या है, यहाँ की लता पताएँ हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हैं। मतलब कहीं ना मिलने वाली ऐसी लता पताएँ हैं जो कहीं भी नहीं मिलेंगी, ऐसी लता पताएँ हैं। उनके नीचे आप बैठ करके ठाकुर जी का नाम का जाप करोगे, राधा रानी के नाम का जाप करोगे, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, मतलब बहुत आनंद मिलेगा। मैंने ये व्लॉग वृंदावन से क्यों नहीं शुरू किया था, उसका कारण यह है कि अपन जो आ रहे थे वो महाराज जी को साथ में लेकर के आ रहा था मैं, इसलिए अभी हम यहाँ पर मानसरोवर पहुँच गए हैं और उसके बाद हम अब ब्लॉग बना रहे हैं। सबसे पहले तो भैया अभी हम लगा रहे हैं मानसरोवर कुंड की परिक्रमा। आप भी अपनी कमेंट में हाजिरी लगा करके इस मानसरोवर की परिक्रमा का मानसिक रूप से आनंद लीजिए। चलो थोड़ा सा आप चलिए हमारे साथ ऐसे ही। राधे 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 तो बोलो यार। और आप सभी का भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी वीडियो को इतना सपोर्ट करते हैं। हमें तो भैया बहुत प्रसन्नता होती है जब हमारे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और आप सभी का प्यार हमें ज़्यादा मिलता है। हम तो चाहते हैं कि और लोग देखें, तो आप भैया खूब शेयर किया करो वीडियो को, मतलब धार्मिक कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया करो। तो बस हमारी परिक्रमा होने वाली है इस कुंड की, उसके बाद हम आपको महाराज जी के भी दर्शन कराएंगे। अभी देखिए ये राधा रानी का मंदिर है और इसकी देखिए आकृति जो है पानी में बन रही है, कितनी सुंदर है। यहाँ पर भी मंदिर है और ऊपर भी मंदिर है, और लगभग परिक्रमा हमारी पूरी होने वाली है। और यहाँ पर देखिए एक बाबा हैं, बड़े ही एक यहाँ पर दुर्लभ बाबा हैं। ये देखिए बाबा का भी कितना प्रेम मिलता है हमें, संत लोगों की तो कृपा ही है, उन्होंने खुद अपनी उंगली से लगाया है। जय हो जय हो जय हो। भैया भक्त लोग सोनी सेवा कर रहे हैं। और भैया दर्शन करने मैं तो जा रहा हूँ, वीडियो तो मैं बनाऊंगा नहीं, कारण ये है कि यहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं है, मगर कोई बात नहीं है, आपकी तरफ से मैं दर्शन कर लूँगा, आपकी हाजिरी जो है मैं लगवा दूंगा, ठीक है। सी हरवंत। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भैया मैंने दर्शन अभी कर लिए हैं श्री जी के, और आपकी जो अर्जी थी वो भी मैंने श्री जी को बोल दिया है। आप क्या कहना चाहते हो हमें सब पता है, आप ये कहना चाहते हो कि भैया श्री जी आपको जल्दी वृंदावन बुलाएं। हमने तो भैया श्री जी से अर्जी लगा दी है कि आपको वह मतलब जल्दी वृंदावन में बुलाएं, ठीक है भैया। राधे राधे। हमारी तो नहाने की हिम्मत नहीं हो रही है, और देखिए अब इस बच्चे को देखिए कैसे नहा रहा है। डुबकी लगा लाला, डुबकी लगा, डुबकी वाह। अब तू बाहर आ जाओ, सर्दी लग जाएगी नहीं तो। भैया श्री जी के दर्शन नहीं करा पाए, मगर हम आपको महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन जरूर कराएंगे। सी अरवंश। भैया सी अरवंश जय हो, महाप्रभु जी की बैठक की जय हो, वल्लवाधीश की जय। तो भैया आज की रसोई जो है सखी बना रही है। सखी दिखाओ आराम से। भैया ये है श्री जी की खिचड़ी। वैसे भोग तो लग चुका है तभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रसाद ये हैं।
जय हो राधा वल्लभ लाल की जय। मीठी है सखी तो। मीठी वाह। तो भैया ये देखिए भोग का थाल है, इसमें सब कुछ है, दही भी है, रबड़ी भी है, खीर भी है, चरिया भी है और ग्वार की फरी भी है। क्या को नाम का है? मुरब्बा। मुरब्बा। और इनका नाम है भैया देवा भैया, जो कि हमारे श्री जी के रसोईया बनाते हैं, रसोई बनाते हैं। सखी जामे तो देखा सखी, इतनी लंबी तगड़ी है भी। जी भी मीठी है ये? नहीं ये तीखी है। लग तो मीठी रही है। नहीं नहीं तो चटनी है मीठी। और ये सूखी सब्जी है जी, तहरी वाली खिचड़ी है। सखी एनीथिंग स्पेशल? एनीथिंग स्पेशल? कहाँ है पकौड़ी दिखाओ। भांग रही भांग। अरे भांग को थोड़ी है, एनीथिंग स्पेशल दिखाइए। तो भैया पकौड़ियाँ भी हैं और पापड़ भी हैं। वाह। माँ प्रभु जीवन चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। मान सरोवर की जय। यमुना रसरानी की जय। राधा नाम की जय। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। श्रीनाथचार्य की जय। श्री मुखिया जी महाराज की जय। मान सरोवर वारी की जय। चौरासी कोस ब्रज मंडल की जय। राधा कहे सुख उपजे, बल्लभ कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की जय। जय श्री राधे श्री हरवंश। A few moments later. तो भैया अभी एक पंगत तो हो चुकी है, अब हम भी चलते हैं प्रसादी पाने के लिए। महाराज जी भी पा रहे हैं, हम आपको महाराज जी के भी दर्शन करा देंगे। जय राधा वल्लभ लाल की जय। मान सरोवर की जय। राधा नाम की जय। श्री हिंदू महाराज की जय। श्री सखी परिकर की जय। श्री रसिक मंडली की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। राधा कहे सुख उपजे, बल्लभ कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की भाव प्रेम लगा। जय जय श्री राधे। तो सखी बड़ी जोर की प्रसादी बनी आज, जो भैया बड़ी जोर की खिचड़ी बनी, आपको खूब खूब धन्यवाद। श्री हरवंश जी, श्री सीताराम, श्री सीताराम जय हो। तो भैया श्री जी की प्रसादी इतनी सुंदर, खिचड़ी प्रसाद, एक एक चीज इतनी सुंदर कि आपको क्या बताएं। भैया राधा वल्लभ जी की प्रसादी है, सुंदर तो होगी। ये देखिए श्री जी का पान है ये। तो ये प्रसादी पाने के बाद पान भी तो चाहिए। तो भैया जैसे आपको लगेगा कि हम पान क्यों खा रहा हूँ मैं, मतलब पान का इतना शौक़ क्यों है मुझे, मतलब भैया मैं आपको बताऊँ कि पान का शौक़ तो नहीं है मुझे, मगर कोई सामने लेके आए तो तब मना नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मीठा पान तो रहता ही है, इसलिए फिर हमें खाने का मन करता तो हम खा लेते हैं। मगर आप ऐसा मत सोचना कि मतलब कि मैं खाता ही रहता हूँ, या तम्बाकू का भी नहीं है, आप ऐसा भी मत सोचना, ऐसे मतलब नहीं। और ये हमारे साथ है ऋषभ, राधे राधे। तो ये आज जा रहा है, दुख की बात यह है क्योंकि इसके पेपर आ रहे हैं, मगर ये फिर जल्दी आएगा, है ना, जल्दी आएगा और फिर उत्सवों का आनंद लेगा ये श्री जी के। तो ये ऐसा कहा जाता है कि जो अंदर के दर्शन नहीं कर पाते हैं ना, वो दुजा के दर्शन कर लें तो वो भी श्री जी के ही दर्शन कहलाते हैं। देखिए मानसरोवर की दिव्य लता पताओं के नीचे गौ माताओं के दर्शन। वाह जय हो। इसके छींटे लेने चाहिए हमेशा। कितनी कृपा है, देखो गौ माता ने गौमूत्र भी दे दिया। वैसे तो गौमूत्र जो है ना फिल्टर करके लेना चाहिए और उबाल करके जो भी उसकी पद्धति होती है वैसे लेना चाहिए, मगर हमने कुछ अंश ही लिया है इस वजह से, क्योंकि अपन ने फिल्टर नहीं किया था, नहीं तो वैसे तो ले लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। गौमूत्र कभी भी नुकसान नहीं करता है, और ये ऐसा गौमूत्र मिल जाए तो सोचो अमृत ही मिल गया। ये गौमूत्र पिलाने के लिए कम से कम 5 तो झूले गौ माता की जय हो।
बोलो राधा वल्लभ लाल की जय हो। हित हरवंश महाप्रभु की जय। राधा रानी की जय। मान सरोवर की जय। आज के आनंद की जय। संत भगवंत की जय। खिचड़ी महोत्सव की जय हो। तो भैया हमारे शास्त्री जी से मिलिए, शास्त्री जी भी कुछ कहना चाहते हैं। राधा रानी मान सरोवर की जय। आप सभी के लिए नव वर्ष की मंगलमय शुभकामना श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में हम समर्पित करना चाहते हैं। और आप सभी लोग जन जन आप प्रसन्न रहें, आनंद में रहें और भक्तिमय रहें, भगवान का भजन करते रहें, राधा रानी का नाम गुणगान गाते रहें। आज राधा वल्लभ लाल की खिचड़ी का उत्सव इतना दिव्य और भव्य चल रहा है, इतना आनंद आ रहा है, सभी भक्तजन वैष्णव आनंद ले रहे हैं। जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो। तो भैया आज हमने खूब आनंद ले लिया है, खिचड़ी उत्सव का भी आनंद लिया, संतों के भी दर्शन किए खूब, भक्त लोगों के भी दर्शन किए, श्री जी के भी दर्शन करके हमें खूब आनंद मिला और प्रसन्नता मिली। और हमने आप सभी के लिए भी हमने अर्जी डाल दी है कि आप सभी को भी ठाकुर जी श्री जी जल्दी वृंदावन में बुलाएं। तो हमारे पीछे है साथ में ऋषभ है और हमारा राहुल है श्री हरिवंश। तो भैया चलिए इस ब्लॉग को एंड करने का समय आ चुका है, जल्दी मिलेंगे हम आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक आप सभी को राधे राधे श्री हरिवंश। देखिए लता पताओं के नीचे से चलते हैं। जय। तो भैया चलने का समय आ चुका है, अब हम यहाँ से चलते हैं अपनी गाड़ी से। पहले गाड़ी ना निकाल के लाऊं? मतलब अभी जा रहा है बाबा। अच्छा अभी तो देखना रहा, तू मुझे बता रहे। चलो चलो।